Welcome students. In this video I am going to explain you how to draw resonating structures. In our earlier video already it is explained to you the definition, important facts and the origin of resonance as well as the conditions of resonance, hai na? So in our first part the introduction of resonance was given. Now in this video I am going to explain you the very important topic or the part of resonance, that is how to draw its structure, hai na? So here is that structure. So I am taking the example of phenol. Now see here, this is our phenol. Phenol is having OH bond. अब हम क्या करें, इस phenol में से यदि हम इस H को किसी कारण से रिमूव कर देते हैं तो इस माइनस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है एंड इट बिकम्स अवर फिनॉक्साइड एंड इट बिकम्स अवर फिनॉक्साइड. देखिए, ठीक है, अब हम इस फिनॉक्साइड का देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम आपको ये कंडीशंस में बताया था बेटा. देखो बेटा, रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसमें बताया था कि रेजोनेंस में लोन पेयर या किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का होना कंपलसरी है जिसके अफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके कारण पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगी, तभी हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. तो हमने यहाँ किया, फिनॉल में से एच को रिमूव करके हमने फिनॉक्साइड बनाया. फिनॉक्साइड में है हमारे पास ओ माइनस, तो हम ड्रॉ करेंगे इस फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या होगा, दिस माइनस चार्ज विल कम टुवर्ड्स, नाउ सी हियर, नाउ सी बेटा, ये जो माइनस चार्ज है, दिस माइनस चार्ज विल कम टुवर्ड्स हेयर. पेंसिल से देखिए, ये जो माइनस चार्ज है हमारा, ये सी और ओ बॉन्ड के बीच में आएगा और क्या बना लेगा, एक डबल बॉन्ड, जिससे कि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कर पाए. अब जैसे ही ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड बना तो ये कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा. अब क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा. तो इस वजह से क्या हो जाएगा, दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट इलेक्ट्रॉन दिस साइड और यहाँ पे डेवलप हो जाएगा आपका माइनस चार्ज. नाउ सी हियर, जैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज आया, है ना, तो क्या होगा, सी हियर, और ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, है ना. अब देखिए, ये आ गया हमारा यहाँ पे माइनस चार्ज, जो पहले यहाँ पे था अब वो चार्ज यहाँ पर आ गया. नाउ सी हियर, इन दिस फॉर्म क्या हुआ, दिस माइनस चार्ज, अब ना अब ये कार्बन जो है हमारा ये अनस्टेबल है, ये बॉन्ड हमारा कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने इस यहाँ पर आएगा और यहाँ बन जाएगा एक पाई बॉन्ड. अब जैसे ही यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बनने से क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू नेक्स्ट कार्बन. अब जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये बॉन्ड ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से. देखिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, यहाँ आ गया अपना माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड था हमारा, ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका माइनस चार्ज, ये बॉन्ड हमारा वैसा का वैसा ही बना रहा, ठीक है. अब देखिए, अब क्या होगा, इस कार्बन पे, अभी इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, अब इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो ये कार्बन अनस्टेबल है, ये कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाएगा,
पाई बॉन्ड, ये रहा आपका पाई बॉन्ड। जब जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ का ये जो पाई बॉन्ड है दिस विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू नेक्स्ट कार्बन, उससे क्या होगा यहाँ पर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा। देखिए यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज शिफ्ट हो गया हमारा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड हमारा पहले से ही था। अब देखिए क्या हुआ, ये माइनस चार्ज क्या हुआ, दिस माइनस चार्ज अनस्टेबल है ये कार्बन, ये माइनस चार्ज अपने आप को यहाँ पर पाई बॉन्ड की तरह आएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर जो अपना ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जैसे ही ये आपका माइनस चार्ज यहाँ आएगा, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, देखिए ये बॉन्ड बना, जैसे ही ये बॉन्ड बना तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया यहाँ पे, ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये दोबारा से आपको यहाँ मिलेगा, किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। देखिए अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ये हमारा डबल बॉन्ड बना इस माइनस चार्ज के कारण, ये हमारा पहले से था, ये भी हमारा पहले से था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक होके क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर चला गया माइनस में। देखिए आपके पास वापस से वही स्ट्रक्चर आ गया, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर सेम। तो हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने फिनॉक्साइड के, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसकी ट्रिक बताते हैं, देखिए ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हमें कुछ ट्रिक ये होनी चाहिए कि अट्रैक्शन नाउ क्लास दिस इज अवर ट्रिक। ट्रिक बेटा क्या बताती है, देखिए आपको पहले तो चार्ज डेवलप करना है, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, सिंगल बॉन्ड की तरफ। देखिए दिस मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज विल कम टूवर्ड्स दिस बॉन्ड, मतलब हमारा बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज में आप नीचे नहीं आएंगे, प्लस चार्ज में क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट दिस साइड, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके चार्ज की तरफ जाएं, चार्ज की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ आपका मूवमेंट होगा। यदि आपके पास लोन पेयर या माइनस चार्ज है तब आपका माइनस और लोन पेयर से आप दूर की तरफ जाएंगे, इतना हमको याद रखना है। देखिए यहाँ माइनस चार्ज था, हम यहाँ से दूर गए हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज होता तो हम पहले प्लस चार्ज की तरफ मूव करते, यही ये कह रहा है। अट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज है, दिस तो क्या होगा, माइनस चार्ज मूव करेगा किसकी तरफ, सिंगल बॉन्ड की तरफ। यदि आपके पास प्लस चार्ज है तो फर्स्ट स्टेप पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इसमें लोन पेयर विल मूव टूवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप क्या याद रखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इतना याद रखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम आपका फिगर गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज़ को इसके थ्रू बनाते हैं, सेम इस चीज़ को, दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम स्ट्रक्चर को ये जो हमने ड्रॉ समझाया है इसके साथ ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। किसी
दिस सेम स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन हेयर, फिनोक्साइड। फिनोक्साइड में क्या होगा, माइनस चार्ज विल मूव टूवर्ड्स सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इट विल मूव टूवर्ड्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यू सी हियर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, ये वाला माइनस चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला बॉन्ड हम हटा देंगे। ठीक है ना, कमन सेकंड स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, ये है हमारे पास। अब देखिए, इसी माइनस चार्ज के पास से हम क्या शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज। ठीक है, बाकी सब हम ए एज इट इज़, ये हमने हटा दिया यहाँ से। जहाँ पे हमारा माइनस चार्ज था वहाँ पर हमने ड्रॉ किया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन चार्ज, सेम एज इट इज़ वी कॉपीड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिए क्या होगा, यह हमारा चार्ज है, चार्ज से ही हम स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज। ठीक है, एज इट इज़ हमने बन ड्रॉ कर दिया है। नाउ ये भी हमने एज इट इज़ ड्रॉ किया। अब देखिए, सिंगल ये चार्ज है हमारा, चार्ज के पास आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा माइनस चार्ज। देखिए, ये हमने एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ अवर फिफ्थ स्ट्रक्चर। सी 1, 2, 3, 4 and 5, अगेन वी आर हैविंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए, हमने ट्रिक से बनाया और बिना ट्रिक के बनाया, एक्चुअल रीज़न जो था उस रीज़न के साथ बनाया और ट्रिक के साथ बनाया, बोथ आर सेम। इसको एक बार फिर से बता देते हैं कैसे। देखिए, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यदि आपके स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज है तब आप मूव करेंगे सिंगल बॉन्ड की तरफ। हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज है, हमने क्या याद किया, माइनस चार्ज इस सिंगल बॉन्ड की तरफ आएगा, आपका बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज जहाँ पर था उस कार्बन से आप स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड, क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज। आपने जो यहाँ का डबल बॉन्ड था उसको वैनिश कर दिया, अब ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड चार्ज। सॉरी, अब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये चार्ज है आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज। अब हमारा चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इसी कार्बन से आप लगाएंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। सिर्फ इतना यदि आपने याद रख लिया, आप कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग मी सक्सेसफुल।